फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग, आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे। मैं नकुल और आज आप लोग के बीच रिव्यू करने वाले हैं हुंडई वेन्यू एसएक्स। तो वेन्यू एसएक्स मतलब जब से मैन्युफैक्चर हो रहा है गाइस तब से काफ़ी हाई डिमांडेबल पे चला है। उसमें भी ये नाइट एडिशन आया है। तो गाड़ी का लुक वाइज तो सेम है बट फीचर्स ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा चेंज फीचर्स आपको कर दिया गया है। अगर यदि सबसे पहले तो हम पूरी गाड़ी दिखलाना चाहेंगे गाइस। और वेन्यू मतलब इंजन वही है 1.2 लीटर कापा इंजन के साथ आपको प्रोवाइड करती है। और कुछ कुछ फीचर्स मतलब चेंज किया गया है, जैसे कि अगर यदि हम पीछे बैजिंग वगैरह की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कैनाइट का बैजिंग वगैरह आपको देखने को मिल जाता है। नीचे अगर यदि हम बम्पर के ऊपर बात करेंगे गाइस तो ऐसा सीरीज़ का भी कुछ काम किया गया है। रेयर पार्किंग सेंसर दो आपको मिल जाते हैं। रिवर्स कैमरा जो कि कैमरा आपको लाइन में इंडिकेट भी करेगा कि स्टीयरिंग मूव करके आपकी कहां जा रही है। और यहां पे अगर यदि हम बात करेंगे तो देख सकते हैं रेयर पार्किंग सेंसर है जो दो दिया गया है। कुछ भी मतलब पीछे होने से डिवाइडर वगैरह वो इरिटेट वाला आपको साउंड करेगा गाइस। तो अगर यदि हम इस गाड़ी के बारे में हम बात करेंगे तो नाइट एडिशन मतलब एक अलग स्पोर्टी वाला जो फील है ना सर, वो आपको इसमें मिल जाता है। अगर यदि हम फ्रंट की ओर चलते हैं, फ्रंट की से स्टार्ट करते हैं कि गाड़ी में फ़ीचर्स क्या क्या दिया गया है जो कि नॉर्मल वेन्यू के अपेक्षा, अगर यदि हम नॉर्मल वेन्यू के बारे में हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपको ये क्रोम फिनिश में मिलता है बट यहाँ पे आपको ग्रिल मिलता है जो कि पियानो ब्लैक फिनिश में आपको मिल जाता है। साथ में हुंडई की लोगो भी आपको ब्लैक फिनिश में ही मिलता है गाइस। यहाँ पे आपको कोई क्रोम का फिनिश किया हुआ नहीं है। अगर यदि हम इसका लाइट के बारे में बात करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर हेडलाइट आपको दिया गया है विथ डीआरएल के साथ। साथ में आपको कॉर्निंग लाइट भी आपको देखने को मिल जाता है। साथ में हजार्ड लाइट का इंडिकेटर्स मिलता है। अगर यदि हम यहाँ पे बात करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एसेसरीज़ का काम किया गया है जो कि कंपनी द्वारा ही किया गया है। और यहाँ पे अगर यदि हम फ्रंट स्किड्स प्लेट की बात करेंगे तो ब्लैक फिनिश में आपको स्किड्स प्लेट दिए गए हैं जो कि इंजन को प्रोटेक्ट करता है गाइस। अगर यदि हम इधर बॉडी रोल में आए, अगर यदि हम बोनेट सेफ के बारे में बात करेंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट जैसा बोनेट सेफ भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा मतलब एरो डायनेमिक सेफ जो होता है ना सर, वाकई में काफ़ी अच्छा होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ जब गाड़ी हाई स्पीड चलती है तो यहाँ से हवा काट के सीधे टायर को देता है जो कि गाड़ी स्पीड चलती है तो टायर ठंडा करने में काम आता है। अगर यदि हम साइड प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे गाइस तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैक में आपको ये अलॉय व्हील का कैप दिया गया है। अलॉय व्हील तो है नहीं, हालाँकि स्मार्ट व्हील कैप दिया गया है जो कि इसका टायर का साइज है 195/65 R15 इंच का टायर आपको कंपनी प्रोवाइड करती है। अपोलो का टायर है गाइस। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर यदि हम इसका ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात करेंगे तो 190 mm आपका ग्राउंड क्लियरेंस है गाड़ी का जो कि इंडिया के रोडों के लिए वाकई में काफ़ी परफेक्ट है। और मतलब हुंडई वेन्यू मतलब जब से मैन्युफैक्चर हो रहा है काफ़ी हाई डिमांडेबल पे और कस्टमर जो रिव्यू है वाकई में काफ़ी अच्छा है। अगर RBM पे बात करेंगे तो ब्लैक फिनिश में आपको RBM मिल जाता है गाइस। ऊपर में आपको ब्लैक फिनिश में ही आपको रूफरेल प्रोवाइड करती है कंपनी। अगर यदि हम यहाँ पे बात करेंगे तो कीज़ के बारे में बात करेंगे तो कीज़ कुछ इस टाइप पे आपको कीज़ मिलता है गाइस। लॉक अनलॉक बूट ओपन करने का कीज़ मिलता है। यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर भी आपको दिया गया है। अगर यदि आप इसके रेंज में रहेंगे तो यहाँ से आप लॉक अनलॉक ईजिली यहाँ से आप कर सकते हैं। ऊपर में आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्लैक फिनिश में ही आपको रूफरेल दिया गया है। अगर हम बात करेंगे गाइस तो साइफन एंटीना आपको ब्लैक फिनिश में ही दिया गया है गाइस यहाँ पे। और अगर यदि हम टेल गेट पे तो टेल गेट भी काफ़ी भरा भरा सा लग रहा है, ऐसा नहीं कि खाली खाली लग रहा है गाइस। यहाँ पे आपको हाई स्टॉप माउंट लाइट ऊपर में मिल जाता है, डिफोगर, यहाँ पे कनेक्टिंग टेल लैंप आपको मिलता है जो कि आप देख सकते हैं यहाँ से आप ये पूरा कनेक्ट है। जब गाड़ी चलेगी और लाइट जलेगा तो काफ़ी प्यारा फील देने वाला है गाइस यहाँ पे। और K9 का बैजिंग आपको देखने को मिल जाता है, हुंडई की लोगो वेन्यू के बैजिंग आपको देखने को मिल जाता है गाइस। और ये जो गाड़ी है हुंडई वेन्यू एसएक्स है, हुंडई वेन्यू एसएक्स में जो कि अगर यदि हम फीचर्स के बारे में बात करेंगे गाइस तो अगर यदि सबसे पहले तो गाड़ी का बात कर लें कि गाड़ी माइलेज देता है कितना। सबसे पहले कोई सवाल करता है कि भाई गाड़ी माइलेज कितना देता है, तो ऐसा है कि ये गाड़ी जो माइलेज देगा आपको 18 to 20 मतलब 18 to 20 आपको माइलेज एट एनी हाउ गाड़ी देगी। 1.2 लीटर कापा इंजन है तो वाकई में उतना माइलेज आपको अच्छा खासा आपको माइलेज मिल जाता है।
और गाड़ी का जो लुक वाई है तो खैर काफ़ी अच्छा कॉम्पैक्ट एसयूवी कार है। और यहाँ पे हम आपको इंटीरियर में चलते हैं, इंटीरियर में हम आपको रिव्यू करते हैं गाइज। इंटीरियर में की भी काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिल जाता है। अगर यदि हम यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पे से लॉक अनलॉक का यहाँ पे दिया गया है, यहाँ से हमने ये लॉक हो गया, ये अनलॉक हो गया गाइज। हालांकि ये साइलेंट किया गया है, मैं इसको ये मोड में करता हूँ। ये अभी मैं करके दिखलाता हूँ। यहाँ पे आपको ये हमने ड्राइवर साइड गेट खोला, और ड्राइवर साइड गेट खोलते ही इंटीरियर वाला फील है ना सर, वाकई में काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो लेदर फिनिश में किया गया है जो कि काफ़ी प्रीमियम लुक यहाँ पे दे रहा है, मतलब गेट खोलते ही काफ़ी प्रीमियम वाला फील आने लगता है गाइस। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे चारों पावर विंडो को ऑपरेट दिया गया है, चाइल्ड विंडो लॉक, मिरर को फोल्ड कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकली आप एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ कुछ स्टोरेज दिया गया है, यहाँ पे वन वाटर होल्डर आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे इंटीरियर में बात करेंगे तो आप देख सकते हैं, इसमें जो दिया गया है वो आपको 6 एयर बैग दिया गया है गाइस। वेन्यू के नाइट एडिशन में 6 एयर बैग, मतलब कि समझ रहे हैं सर, फुल सेफ्टी। अगर यदि गाड़ी में आप चल रहे हैं तो साक्षात हम यहाँ हेमराज भी आए तो भी उसको मुश्किल है थोड़ा उठाने के लिए। हालांकि जिसका मौत होता है वो आप किसी से भी चलिए उसका मौत हो ही जाता है, बट इसमें सेफ्टी फीचर्स काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलता है गाइस। यहाँ पे हम बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल, ऑटो स्टार्ट, व्यू क्या है वो मैं दिखलाता हूँ। व्यू अगर यदि आप ड्राइविंग करते समय कोई आपको ओवरटेक कर रहा है, फॉलो कर रहा है, वो व्यू से आप इजीली यहाँ से चेक कर सकते हैं कौन हमको फॉलो कर रहा है। ट्रैक्शन कंट्रोल होता है, हालांकि 4WD नहीं है, बट ट्रैक्शन कंट्रोल एक अलग से पावर जनरेट करके देता है। जैसे कि आप कीचड़ वगैरह में चल रहे हैं तो चक्का स्किड करने का चांसेस ज़्यादा होता है, बट अगर यदि ये आप ऑन कर देते हैं तो चक्का स्किड नहीं करने देता है गाइस। और ये यहाँ पे ए ऑफ जो लिखा हुआ है वो ऑटो स्टार्ट का लिए यहाँ पे दिया गया है। अगर यदि आप सिटी वगैरह में चल रहे हैं तो जैसे ही आप क्लच हटाएंगे, न्यूट्रल करेंगे, तो गाड़ी ऑटोमेटिक आपका बंद हो जाएगा और क्लच लेंगे तो चालू हो जाएगा। ये आपका मतलब एक फ्यूल एक्सपेंसिव बचाने के लिए एक फीचर्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो कि यहाँ पे आपको MID इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाता है, मतलब टायर प्रेशर मॉनिटरिंग, एवरेज गाड़ी क्या दे रही है वो आपको सारा डिटेल आपको मिल जाता है। सीट की फिनिशिंग में आप देख सकते हैं, ब्लैक फिनिश में आपको सीट दिया गया है, जो कि इंटीरियर वगैरह सारा आपको ब्लैक मिलता है। तो काफ़ी मतलब गाड़ी काफ़ी स्पोर्टी और काफ़ी प्रीमियम वाला फील गाड़ी के अंदर बैठते ही आ जाता है गाइज। अगर यदि हम ड्राइवर सीट के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे सीट हाइट एडजस्टेबल आपको देखने को मिल जाता है गाइज। यहाँ पे आपको डिजिटल क्लस्टर इधर आपको देखने को मिलता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको डिजिटल क्लस्टर आपको देखने को मिलता है गाइज, जो कि डिजिटल क्लस्टर का एक बात ही अलग है साहब। यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइज, यहाँ पे हम बात करेंगे तो 8 इंच का टच स्क्रीन आपको दिया गया है, जो कि एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आपको मिलता है। और इसमें आपको डैश कैम दिया गया है, आप देख सकते हैं डैश कैम गाड़ी के अंदर बाहर दोनों ऑन रिकॉर्ड रखता है। मतलब इसका फ़ायदा है कि अगर आप हाईवे वगैरह पे चल रहे हैं, कोई साइकिल या मोटरसाइकिल या कुछ भी अगले को गलती से परेशान आपको होना पड़ रहा है तो ऑन रिकॉर्ड आप चेक कर सकते हैं, कि दिखला सकते हैं पुलिस को कि ये देखिए किसका गलती है। तो ये बेसिक्स काफ़ी अच्छा फीचर्स है। यहाँ पर हम बात करेंगे तो इसमें इस गाड़ी में आपको ब्लू लिंक मिलता है, जो कि ब्लू लिंक से आप 30+ फीचर्स आप अपने स्मार्टफोन्स यूज़ कर पाएंगे, जैसे इंजन स्टार्ट करना, स्टॉप करना, लॉक अनलॉक, AC, हॉर्न, सायरन, ये सब आप अपने स्मार्टफोन से कर सकते हैं ब्लू लिंक कनेक्ट करके। अगर यदि हम बात करेंगे गाइस तो इसमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, जो कि यह डिस्प्ले है। यहाँ आप ऑटो कर देंगे तो बाहर के वेदर के अनुसार आपको अंदर कूलिंग करेगा। यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जर दिया गया है, 5 गियर की गाड़ी है तो गियर 9 भी काफ़ी प्रीमियम वाले फील आने वाला है गाइस। यहाँ पर की होल्डर है, यहाँ पर कुछ क्रोम फिनिश का काम किया गया है, आप यहां इसको देख सकते हैं। अगर यदि हम यहां बात करेंगे तो 2 वाटर होल्डर यहां पे मिल जाता है, मैनुअल हैंड ब्रेक जो कि पहले आता था वही है। यहां अगर हम डैशबोर्ड के बारे में बात करेंगे तो ब्लैक फिनिश में डैशबोर्ड दिया गया है, जो कि काफ़ी प्रीमियम लुक दे रहा है बाबा। यहां पे हम बात करेंगे 6 एयर बैग कहाँ कहाँ होती है गाइस, तो आप देख सकते हैं, फर्स्ट तो आपको स्टीयरिंग में होता है,
और सेकेंड वहाँ पे आपको डैशबोर्ड में होता है, तीसरा ये पिलर में, चौथा ये पिलर में, पांचवा ड्राइवर साइड सीट के साइड कॉटन में, और छठा को ड्राइवर के साइड कॉटन में दिया गया है। अगर यदि हम लेग स्पेस हेड स्पेस देखेंगे तो गाड़ी काफ़ी मतलब कम्फर्टेबल, लॉन्ग जर्नी के लिए काफ़ी कम्फर्टेबल जर्नी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर आपको कुछ स्टोरेज फ़ोन वगैरह रख सकते हैं। इसके अंदर आपको कूल ग्लव बॉक्स दिया गया है, मार्केट से पानी बॉटल चॉकलेट कैरी कर रहे हैं तो गाड़ी बंद होने के 4 घंटा बाद भी आपको चिल्ड मिलता है। यहाँ पे आप EMID इन्फॉर्मेशन से देख सकते हैं क्या क्या फीचर्स आपको मिल जाता है गाइस, यहाँ क्या दे रहा है गाड़ी, एवरेज, ईस्ट वेस्ट, ये सब, ड्राइव टू डिस्प्ले, कौन सी टायर में कितना हवा है, ये सब आपको देखने को मिलता है गाइस। ये आपका हो गया। और दूसरी बात, इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक सनरूफ है जो कि आप देख सकते हैं, ये हम सनरूफ अभी खोल रहे हैं, यहाँ से ओपन किया जा सकता है, ये हमने पीछे किया, ये सनरूफ ओपन हो गया गाइस। तो मतलब एक फैमिली के लिए काफ़ी अच्छा सनरूफ है, बच्चे वगैरह जा रहे हैं तो आप काफ़ी अच्छा व्यू ले सकते हैं और सनरूफ का इंजॉय कर सकते हैं, हालांकि ये भी काफ़ी है। और यहाँ पे अगर यदि हम बात करेंगे तो ये आपको मैनुअल ट्रांसमिशन में ये आपको गाड़ी मिलता है गाइस, क्लच ब्रेक एंड एक्सीलेटर, यहाँ से आप देख सकते हैं। अगर यदि हम सेकेंड रो में मतलब पैसेंजर सीट पे अगर यदि हम बात करेंगे तो उसमें भी काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलता है, यहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ भी सीट में ही आपको लेदर, ये गेट में लेदर फिनिश में आपको यहाँ पे गेट हैंडल मिलने वाला है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको आर्म रेस्ट नहीं मिलता है गाइस, बशर्ते हेडरेस्ट है जो ट्रिपल कर दिया गया है, आप देख सकते हैं हेडरेस्ट आपका ट्रिपल है तो काफ़ी कम्फर्टेबल जर्नी आप यहाँ कर सकते हैं। और ये रेयर एसी वेंट आपको दिया गया है, और नॉर्मली जो टाइप सी का चार्जिंग पॉइंट है वो आपको दिया गया है, जिसके अंदर उसके अंदर टर्बो इनबिल्ड होता है, काफ़ी तेज़ी से फ़ोन चार्ज करके देता है बिना फ़ोन को प्रॉब्लम किए हुए। और इसका म्यूजिक सिस्टम जो है वो इन्फिनिटी का है, जो कि खुद का हुंडई का मैन्युफैक्चर है गाइस ये म्यूजिक सिस्टम। और काफ़ी अच्छा, अगर यदि हम बूट स्टोरेज के बारे में बात करेंगे तो आप देख सकते हैं बूट स्टोरेज भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर पावर बटन है, यहाँ पे पावर बटन है, यहाँ से आप बूट को ओपन कर सकते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं गाइस। ये जो सीट है वो एक सीट आप कैप्टन सीट है, इसको 6 सीट को आप स्पीड को आप 60-40 में आप इसको फोल्ड भी कर सकते हैं। पीछे में आपको पार्सल ट्रे दिया गया, हैंडबैग वगैरह, छोटा बैग वगैरह है तो आप पार्सल ट्रे पर ही यूज़ कर लें, बूट को ओपन करने की कोई आवश्यकता नहीं। यहाँ पर आपको बूट स्टोरेज भी काफ़ी अच्छा है, मतलब लॉन्ग जर्नी के लिए बड़ा बड़ा 3 लैगेज भी आप डाल दिए हैं ना सर, तो इजीली आपको कहीं कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है, इजीली लैगेज आपको आ जाएगा। स्पेयर व्हील के बारे में बात करेंगे तो आप लोगों को पता ही होगा कि 1 इंच छोटा होता है सारी हुंडई की गाड़ी में, जो कि आप इसको स्टेपनी में यूज़ कर सकते हैं, आप इसको मेन टायर नहीं बना सकते गाइस। अगर यदि स्टेपनी के साइज के बारे में बात करेंगे तो आप यहाँ से देख सकते हैं गाइस, हालांकि स्टेपनी तो 1 इंच छोटा होता है, आप इसको स्टेपनी में यूज़ कर सकते हैं, आप इसको मेन टायर नहीं बना सकते। और इसका अगर यदि हम इंजन के बारे में बात करेंगे तो काफ़ी अच्छा, मतलब 4 सिलेंडर की गाड़ी और 1200 cc की गाड़ी है, और पेट्रोल में 18-19 माइलेज दे रहा है, SUV गाड़ी तो मायने रखता है गाइस। अगर यदि ये गाड़ी का परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।